नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सिखों के धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रायबरेली जनपद में भी सभी गुरुद्वारों में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाने के लिए पुरुष, महिलाएं व बच्चे सभी बड़ी संख्या में गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, लेकिन मुगल शासन के आगे घुटने नहीं टेके। आज उनके जन्मदिन को लेकर पूरे जनपद के विभिन्न गुरुद्वारों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 2 तारीख को पूरे शहर में गुरु गोविंद सिंह जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रायबरेली जिला ब्यूरो आरके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज कार्यक्रम हो रहा है जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए अपने पूरे परिवार का कुर्बानी दे दिया था। 4 बच्चे उनके शहीद कर दिए गए थे। मुसलमान जो हैं वो सब धर्मों के लोगों को मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे 10ों गुरुओं में से गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शहादत दी है, आज शायद हिंदू धर्म उसी वजह से कायम है। हिंदुओं को बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरा परिवार, माँ की कुर्बानी, अपने पिता की कुर्बानी 8 वर्ष की उम्र में दे दी थी। और उनके 4 बच्चे, जो 2 बच्चे उनके लड़ाई में बड़े बच्चे शहीद हो गए थे और 2 बच्चे उनके दीवार में चुनवा दिए गए थे चमकौर के उसमें, लेकिन आज हम उनका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जो हिंदू धर्म उनका बचाया गया है, जो हमारे गुरुओं के द्वारा बचाया गया, आज हिंदू धर्म उसी वजह से कायम है। हमारे 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी वजह से आज हिंदू धर्म बचा हुआ है।